वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत दे प्रति दास कुछ अर्ज बेनतियां करनिया चाहता है। वैसे तो ये बेनतियां समुचे संसार वास्ते हैं, सब धर्मों के लोगों वास्ते हैं। बेनती इतों शुरू कर रहे हैं कि कुछ लोग तो असल धर्मी या धार्मिक होंगे ने, पर कुछ लोगों ने धर्म का धार्मिक होने का मखौटा पाया हुंदा, जिथे राजनीतिक लोकां द्वारा खलकत पब्लिक संसार इंसानियत दे कतल होए ने, उत्थे कुछ धर्मां दे नाम थले भी लोकां दे कतलेआम बहुत होए ने। धार्मिक सदवाउण वाले लोकां ने भी नफरत ईरखा वैर विरोध संसार च फैलाया। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जदों प्रगट होए ने तां भाई गुरदास दा वचन हिंदू मुसलमान निवाया, कोई तलवार दे जोर नाल जबरदस्ती नहीं, आप दे शुभ गुणा करके अते जो इंसानियत नाल सतगुरु नानक देव जी ने दसां स्वरूपां च मुहब्बत कीती है, उस कारण करके सारे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे अगे जिन्हां दे अंदर सत धर्म सी उह भावें किसी धर्म नाल संबंध रखते सन, वह गुरु बाबा जी अगे झुके ने। मिसाल दे तौर ते गुरु बाबा जी ने मुसलमान मरासियां दे घर पैदा हुए मरदाना जी नूं अपने नाल बहुत लंबा समा रखिया, जिन्हां नूं भाई मरदाना जी सतगुरु कहा करदे सन। इस तरह राय बुलार खान साहब राय भोए दी तलवंडी दे उस इलाके दे मन्ने परमन्ने मुसलमान, उन्होंने 757 मरबे जमीन धन गुरु नानक देव महाराज के नाम लवाई, अज भी वो कागजां जमीन बोलती है। होर अनेक शाह भीख जी वर्गे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रगट होने चढ़दे वाले पास में सजदा किया, पीर बुद्धू शाह जी भगाणी के युद्ध में अपने 700 मुरीद ते 4 बेटे लैके जंग में शामिल होए ने, इत्यादिक होर अनेक नबी खां गनी खां कोटला निहंग खां कोटले पिंड वाला इत्यादिक अनेक मुसलमानों ने सतगुरों के प्रति अपनी श्रद्धा अकीदत अर्पण की, सेवावां कीतियां, उन्हां दी सेवावां नूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह उस समय राज करन वाले जिहड़े शासक सन मुगल एम्पायर, वह भी मुसलमान सन, तो उन्होंने जिथे हिंदू धर्म के लोगों उपर जुल्म ढाए, साडे गुरु साहिबाना उपर भी उन्होंने वधीकियां कीतियां। धन गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत जहांगीर दे राज वेले हुई, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत औरंगजेब बादशाह दे राज वेले हुई, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे नाल जिथे हिंदू पहाड़ी राजियां ने जंगा लड़ियां, उत्थे औरंगजेब की फौज और उहदे जिहड़े सूबेदार से जिवें सूबा सरहंद वजीर खां, उहदी फौज वल्लों अनेक तरह नाल वधीकियां कीतियां गईयां। इस कारण करके आनंदपुर साहब चमकौर साहब मुक्तसर साहब ये जंगा हुईयां, जंग लड़नी सतगुरां की मजबूरी सी। कुछ लोग मजहबी तवस्सब रखते हैं, इस कारण करके वो गलत प्रचार करते हैं कि 6वें ते 10वें पातशाह ने हथियार क्यों चुके। उन्हां लोकां नूं समझ है या नहीं, पर आम पब्लिक दे अंदर ये वो गलत जहर फैलाउंदे ने कि गुरु साहिबानां ने हथियार क्यों चुके। मिसाल दे तौर ते एक सनातन मत दा विद्वान सीसगंज साहब दिल्ली ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कोल आया तो कहने लगा तुहाडे नाल विचार करने। मस्कीन जी कहन लगे आओ बैठू करो विचार। तां उह कहन लगा कि तुहाडे बाकी गुरु साहिबानां नूं तां मैं अवतार मंनदा, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अवतार तां की मैं एक संत भी नहीं मंनदा। मस्कीन जी कहन लगे उसका कारण, कहन लगा जो संत हुंदा अवतार हुंदा वह तो नज़र दे नाल ही किसी मार सकदा, वह तो बचना दे नाल भी किसी मार सकदा, उन्हूं हथियार चुकन की की जरूरत पई। मस्कीन जी कहिंदे चंगी तरह विचार लो, जो प्रश्न तुसी कर रहे हो, जो किंतु परंतु 6वें ते 10वें पातशाह ते कर रहे हो, जायज आ, सोच समझ के कह रहे हो। कहिंदे बिल्कुल। कहिंदे फिर असीं तुहाडे लेख पढ़े ने, तुहाडे लेखां तों सिद्ध हुंदा कि तुसीं त्रेते युग दे अवतार श्री रामचंद्र जी दे उपाशक हो। कहने लगा बिल्कुल। कहिंदे फिर तुसां बाल्मीकि रामायण भी पढ़ी होगी ते तुलसी जी दी लिखी रामायण भी पढ़ी होगी। कहिंदे बिल्कुल पढ़ी हुई है। कहिंदे तुलसी जी रामायण विच एक वचन आउंदा कि बाली ते सुग्रीव
दो सके भरा सन, बाली वड्डा सी, सुग्रीव छोटा सी। सुग्रीव दी धर्मपत्नी जबरदस्ती बाली ने अपने घर वाड़ ली, तां सुग्रीव श्री रामचंद्र जी की शरण में आया कि भगवान मेरी सहायता करो। तो उस वेले रामचंद्र जी ने रुखां दी चंगी विच लुक के एक बाण चलाया, तीर चलाया, जिस दे नाल बाली डिगा। बाली की छाती च तीर वजा, वह डिग रहा सी, तां उसने रामचंद्र जी नूं वेख लिया, तां कहा भगवान आप जी नूं इह सोभा नहीं दिंदा कि किसी मनुख नूं तुसीं उल्ले हो के तीर चला के मार दो। तां जो रामचंद्र जी ने कहा, तुलसी जी अपने अखरां च इंज लिखते ने, तुलसी रामायण अंदर, कि अनज बधु भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी, इनको दृष्ट बिलोकै जोई, ताहे बधे कछ पाप न होई। कि भरा दी घरवाली, अनज बधु छोटे भरा दी घरवाली, भगनी अपनी सकी भैन, सुत नारी अपने पुत्र दी घरवाली, यानी कि नुखा नूह अते अपने घर पैदा हुई कन्या, ये चारे बराबर होंदियां। इन्हां विचों किसे वल भी कोई मैली नज़र नाल, बुरी नज़र नाल तकदा है, तां उस व्यक्ति नूं मार देना कोई पाप नहीं है। आम व्यक्ति नूं मार देना पाप है, पर तेरे वर्गे व्यक्ति नूं मार देना कोई पाप नहीं। कि उत्थे तुहाडे इष्ट रामचंद्र जी ने दृष्टि नाल बाली नूं मारिया जां वचनां नाल मारिया? नहीं, मतलब जिहड़े दुष्ट लोग हन उह दलीलबाजी उपदेश नहीं सुनते, नहीं मानते, उन्हों का इलाज फिर शस्त्र होंगे। दुष्टों का इलाज शस्त्र होंगे, तो रामचंद्र जी ने वो शस्त्र हथियार चलाए। तो इस तरह रावण की भैन स्वरूप नखा, जिहड़ी कि रामचंद्र जी के भरा लक्ष्मण जी वरना चाहती सी, वो वरमाला पाना चाहती सी, लक्ष्मण ने ना कर दी। रामचंद्र जी वल गई, उन्हें भी ना कर दी, दोबारा फिर लक्ष्मण वल आई, उसका नक वढ़ दिता गया। तो उस दे भरा रावण ने फिर सीता जी नूं उधाल के लै गए, जबरदस्ती लै गए। रामचंद्र जी ने अपनी धर्म सपत्नी सीता जी नूं लंका चों लियाउण वास्ते कि बचना दे नाल रावण नूं मारिया जां दृष्टि नाल मारिया, फौज लै के गए, जंग होई, लंका उजाड़ी, सीता जी नूं लै के आए। असीं निंदा नहीं करते, कदे सिखां ने, सिखां दे विद्वानां ने निंदा नहीं की रामचंद्र जी की, और वह उतों अपनी धर्मपत्नी छड़ा के लियाए, तो उन्होंने सेवक उस जंग विच शहीद भी होए। पर इधर दूसरे अवतार जिहड़े कृष्ण जी ने, एक द्रौपदी करके कारवां पांडवों का झगड़ा आपस वध गया, तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जदों मारिया गया सी, तां उसने हथियार सुट दिते। तां उस वेले कृष्ण जी ने भगवत गीता का उचारण किया, वो सारी सिक्ख्या उत्थे कुरुक्षेत्र की धरती मैदान जंग च उचारी गई। तो उस वेले अर्जुन ने दोबारा फिर हथियार चुकने वास्ते तैयार किया, तो 18 खूनियाँ 40 लख के करीब लोग उस जंग विच मारे गए। कृष्ण जी ने भी तुसीं अवतार मानते हो, असीं कदे निंदा नहीं की, ना करांगे, ना तुहाडे धर्म ग्रंथां दी असीं निंदा करांगे, पर तुसीं मजबी तवस्व करके अपने अवतारां नूं तां अवतार जाण के मानदे पूजदे हो, पर जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब जी ने प्रजा दे अंदर साहस भरन लई अणख ते गैरत दा मादा भरन वास्ते अपने हक्कां दी राखी वास्ते हथियार चुकाए, चार जंगां लड़ियां, कदे भी गुरु हरगोबिंद साहब जी किसे ते चढ़ के नहीं गए। जो चढ़ के आया उस दी कीती वधीकी दा जवाब दिता, उस नूं अगों जंग करके मारिया। इत्थों तक कि मोहसन फानी ने जिहड़ी दबस्तान मुसाहिब लिखी है 1734 तो लैके 1738 तक, उस किताब दे विच वचन लिखिया कि करतारपुर वाली जंग विच जदों पेंदे खां दा मारिया गया सी, काले खां जिहड़ा, वह गुरु साहब ते चढ़ के आया, उहदे घोड़े नूं तीर लगा, घोड़ा डिग पिया, वह पैदल होया, गुरु हरगोबिंद साहब जी आप घोड़ा छड के पैदल हो गए। तो गुरु महाराज कहिंदे सी तू वार कर, उहने एक वार किया, हजूर ने अपना बचाया, दूजा वार फिर उहनूं करन लई कहा, तीजा वार फिर उसने किया। तो फिर गुरु साहब ने कहा, जदन ई नेस्त बल्लो जदन ई अस्त, कि जिहड़ा तू वार करना ये पुत्रा इंज नहीं करीदा, इंज करीदा। तीजा वार करन तो बाद गुरु साहब जी ने अपनी श्री साहब का वार करके उन्हूं चीरिया। तो मतलब जिहड़ा चढ़ के आया वार करदा सी उहदे वास्ते
शस्त्र जरवाने की पख्या, गरीब मजलूम की रक्षा, यह सिद्धांत सतगुरों ने अपनाया। फकीरी की राखी वास्ते मीरी धारण की, पीरी की फकीरी की भगती करने वाले लोगों की रक्षा वास्ते आम पब्लिक जनता रियाने लताड़े दबाया हुआ लोगों की माल स्वभाव घर बार इज्जतों की राखी वास्ते सतगुरों ने कहा शस्त्र पकड़ो, तुसीं जुल्म नहीं करना, किसी का हक नहीं खोना, किसी उत्ते वार नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं खराब करनी, पर अपनिया ते गरीब लोगों की इज्जतां ते उन्हां दे हक महफूज रखने वास्ते शस्त्र चुको, ये सूरमियां का काम। इस तरह दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लोगों की हिफाजत करदियां धर्म नू बचाउण वास्ते अणख ते गैरत लोगों के अंदर भरन वास्ते खालसा पंथ भी साजिया, जंगा भी लड़ियाँ, पर उहदे विच कोई भी जंग जर जोरू जमीन ते कब्जा करन वास्ते नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ, ਝੀਵਰ, ਨਾਈ, ਛਿੰਬੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਬੇਟਾ ਅੜੂ ਰਾਮ ਕਾ, ਪੋਤਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਾ, ਬੰਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਕਾ, ਸਾਰਸੂਤ ਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਗੋਤ ਵਾਸੀ ਮਟਨ, ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ, ਖੋੜ ਸਮੂਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਕੇ ਸਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਲਿਖਿਆ ਜੇਠ ਵਧੀ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ 1632 ਬਿਕਰਮੀ ਮੇਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਲ ਨੌਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ 52 ਕੈਦ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛਡਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਸਖਤ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨਣ ਫਾਨਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਗਰ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਖਾਂ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਿਹੰਖਾਂ ਨਾਮ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਦੁਆਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਕ ਆਫ ਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, 40,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਹੈ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ 93,000 ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰ ਜੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, 40 ਕੇਵਲ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
और गुरु साहब जी नूं पंजां दे रूप विच उन्हां ने अपने वालों बेनती की, गुरु महाराज ने हुक्म मन के नाल शर्त रखी कि मैं लुक छुप के नहीं जावांगा, नरसिंघा वजा के ताड़ी वजा के दस के जावांगा। तो हजूर ने इंजी किया, दी रात नाल नाले नरसिंघा वजाया, सुचेत किया दुश्मन दल नूं, नाले ताड़ी मार के कहा पीरे हिंद मेर वध। तीन वारी फारसी भाषा उन्हां दी जो भाषा सी ते उन्हां नूं भुलेखा ना रहे, पीरे हिंद मेर वध, हिंद दा पीर जा रहा तां आपस विच नेरे करके कट वड मरे हो। गुरु साहब जी दी इह विलखण जित है कि एडा वड्डा घेरा गुरु कलगीधर पातशाह दा सीस कलम करन लई जां जिउंदिआं फंड वास्ते पाया गया होवे तां गुरु महाराज तीन सिंघां समेत उत्थों निकल जाण। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖਲਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਹਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮਕਰੀ ਆ, ਫਰੇਬੀ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਸ਼ਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਰ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਨ ਦਿਗਰ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਨ ਦਿਗਰ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰਾ ਮਨ ਨਾ ਦਾਨਮ ਕਿ ਯਜਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਲਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ, ਅਚੰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਅਰਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ, ਜਗੀਰਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੂੰ ਬਚਗਾਂ ਕੁਛ ਤਹਿਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਮਾਰ। ਪੇਚੀਦਾ ਮੈਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਆ, ਮਾਰ ਸੱਪ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਾਂ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ,
काश कितने मेरे सामने आता कि तीर मैं उन्होंने भी बख्श दिता। गुरु साहब जी ने यहोजे बचन औरंगजेब में जफरनामे अंदर लिखे और इस प्रकार फिर गुरु महाराज सच्चे पातशाह के छोटे साहबजादियों नूं सरहंद विखे जदों शहीद करना सी पेशी हुई। ये विलक्षण शहादत उन्होंने 7 साल तो 9 साल तो घट उम्र हैं उन्होंने तो यह भी नहीं कि उन्होंने फड़िया तो फड़ के शहीद करता, ऐसा नहीं है। जिवें मिर्जा हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने लिखा गंजे शहीदा तो शहीदा ने वफा, तो सलाम वाले ने कहा कि तू काफर के गुरु के पुत्रां की एड्डी वड्डी सिफत लिखी, तेनू मुहम्मद साहब के दोहतरे हसन हसैन तो उन्होंने गां बेटे अली अल असगर तो अली अल अकबर की शहादत क्यों ना चेते आई। तो चेते रहे संगत को मैं बेनती करनी चाहना भी हज़रत मुहम्मद साहब के जवाई हज़रत अली बीबी फातिमा के पति नूं सुन्नी मुसलमाना ने नमाज़ पढ़दे वक्त पिछले पासों वार करके मार दिता सी। और बीबी फातिमा के दो बेटे सन हसन ते हुसैन, तो हसन जिहड़ा सी उसकी पत्नी नूं खरीदया गया, उहदे कोलों जहर दे के उहदा कतल करवाता गया। जिहड़ा शाह हुसैन सी उहदे ते चढ़ के आए जजीद की फौज जो कि 4000 के करीब सी, ते करबला विखे जंग हुई, 72 बंदे सीगे शाह हुसैन दे नाल मारे गए। तो शाह हुसैन फिर अपनी जान की भीख मंग रहा सी, एक बेटे उन्हें हत्थां दे चुकिया होया सी, एक नूं कोल खड़ा कीता होया सी, अपनी जान की भीख मंगी, पर यजीद दे सेनापति ने उन्हां नूं मार दिता। इस तरह उन्हां दी शहादत हुई। मुसलमान वो मरसीए लिखते गाते ने रोंद ने ताजिया कढ़ते हैं संगल मार मार के लहू लुहान हो जाते हैं। पर जरा मिर्जा हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने जवाब दिता सी कि गुरु के साहबजादे बाकी सब शहादतों थले छड़ के उपर लंघे उच्चे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचने वास्ते रस्ता विखाया गया, उन्हें जान की भीख नहीं मंगी, धर्म नहीं छड़िया। और जिस वेले सूबा सरहद की कचहरी में साहबजादे नूं पेश किया गया, 17 बंदे उत्थे बैठे सन सभा दे विच, जिन्हां विचों जिहड़ा सी मलेरकोटली शेर मुहम्मद खां, उसने कहा सी ई मासूम अस्त कि ये तो मासूम हैं, कहा सी अपने भरावां दा बदला लै लै, जिहड़े भरा तेरे गुरु गोबिंद सिंह ने मारे हैं चमकौर की गढ़ी विच जंग विच, उन्हां दा बदला लै। तां उसने जो कहा बदला ही लेना होगा तो लेंगे हम बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। उन्हें जिसने कहने हा दा नारा मारिया, उन्हें कहा मासूमा तो मैं हथियार नहीं चुक सकता, हथ नहीं चुक सकता, क्या असं डर गया? कहने लगा नहीं, इस गलों नहीं डरिया, जे लड़ना हो गुरु गोबिंद सिंह नाल लड़ांगे, मैं गुरु गोबिंद सिंह तो नहीं डरिया, मैं इस गलों डरिया कि इस्लाम की बहुत वड्डी तुहीन होगी, इस्लाम के मत्थे ते कलंक लग जाएगा, क्योंकि इस्लाम कुरान शरीफ मासूमा ते हथ चुकना जुल्म करना ये आग्या नहीं दिंदा। तो उस वेले जदों इंज कहा ई मासूम मस्ते ये गल कह के उन्हें दस्खत नहीं किए, सभा छड़ के गया मलेरकोटली शेर मुहम्मद खां, भावें बाद माझे वाले सिंघां नाल लड़िया जदों बंदा सिंह बहादुर दा वक्त आया, वह गल वखरी है। वो भरा मारे गए, भतीजा भी शायद मारिया गया, वह बेटा भी मारिया गया, वो गल एक वखरी है। पर शाबाश उस मुसलमान दे जिन्हें कुरान शरीफ की यह सिख्या कि मासूमा उपर हथ नहीं चुकना चाहिए उन्हें धारण की हुई सी, फिर जिसनों सारा खालसा पंथ जूठा नंद कहता, जिदा मापिया ने ना सोचा उन्होंने रख्या सी, वो भगवत गीता भी पढ़ी होगी और इस तरह तिलक भी लाउंदा सी, पूजा भी ठाकुर की करता सी, उन्हें कहा जी सूबा सरहंद मैनू इजाजत है इन्हां बच्चों नूं कुछ पुछण दी, तां इजाजत दित्ती गई। उसने पूछा साहबजादियां नूं कि तुसीं कौण हो? उन्होंने कहा सी भुजंगी हां, गुरु गोबिंद सिंह दे भुजंगी। कहन लगा जी वेखो कुरान शरीफ विच मनुखता दे बच्चों नूं मनुखी बच्चों नूं मारन की आग्या नहीं, ई मासूम नेस्त ई फरजंदे मारस्त, ये सप के बच्चे आप कह रहे हैं कि असी भुजंगी हाँ, भुजंग नाम सप का संस्कृत में, तो इस करके कुरान शरीफ सप के बच्चे मारन की आग्या दिता। इस ढंग काजियां मौलवियां जोड़े उस वे मौजूद सन उन्होंने माया का लालच, तो ये गल सूबा सरहद के कोई ना कोई तरीका तरक्की वरतो इन्होंने शहीद कर दी। तो उस वेले हुण वेखण धर्म के लोग सी, धार्मिक लोग सी, काजी मुसलमान धर्म का चोटी का विद्वान मनिया जाता काजी, तो इस प्रकार वो जूठानंद जिहड़ा सी भी तो धार्मिक लिबास पाया होया सी, पर उन्होंने साहबजादियां नूं नीहां चिण के कि खून ना डुले, खून डुलण दे नाल साडे ते कोई वापर सकदा, इस ख्याल नाल नीहां चिण के शहीद करन का फतवा ला दिता गया।
इस तरह गुरु महाराज जी का सारा सरबंश कुरबान होया भारत वर्ष के लोगों गलों गुलामी लाने लिए अणख गैरत ते अपने हक बचाने का जिहड़ा जज्बा वह भरन वास्ते। अगर जे छेवें पातशाह गुरु अर्जन देव की शहादत तो बाद कुछ ना करते तो आने वाले समय धर्म महफूज न रहिंदा। लोग धार्मिक लोग डर जाया करते कि वड्डियां वड्डियां नूं इह जरवाणे शहीद कर देंदे मार देंदे ने फिर इस करके सानूं भी मार देणगे। लोग डर जाया करते इह सतगुरु महाराज ने जज्बा भरिया कि आप जुल्म नहीं करना। दो तरह की शहादत का सबक सिखाया। एक जंगजू शहादत जदों तुहाडे कोल शस्त्र लड़ सकदे हो तां लड़ो। जदों तुहाडे कोल शस्त्र नहीं तुसीं पकड़े गए तुहाडियां बाहां बन्नियां गईयां उदों भी जान ते खेड़ जाणा पर धर्म ना छड्डणा। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ते 740 सिंघां ने कीता दिल्ली विखे। एक भी मुसलमान बन नूं नहीं मन्निया। धर्म जो मनुख अपने मन तो अपनाउंदा। और बहादुर शाह की कचहरी च गुरु गोबिंद सिंह नूं सैयद ने प्रश्न पुछे सी मजहब तुम्हारा खूब के हमारा खूब। गुरु कलगीधर ने कैसा बाखूबी जवाब दिता मजहब तुमको तुम्हारा खूब मगर हमको हमारा खूब। कहिंदे बुत शिकन के बुत प्रस्त मारे। कहिंदे मैं बुत प्रस्त नहीं हाँ ते मैं जबरी लोगों के मंदिरों जाके बुत नहीं ढाउंदा भांदा। पर जे कोई साढ़े कोल चल के आए असीं प्रेम नाल समझाउने आ कि बुतां दी पूजा च कुछ नहीं रखिया। एक जिउंदे जागदे ठाकुर अकाल पुरख का सिमरन करो। इस प्रकार का सिधांत है जिहड़ा साढ़े सतगुरां ने दिता और समुचे संसार नूं प्रेरणा दित्ती। किसी नूं भी ये नहीं कहा मल्लो मल्ली कि तू साडा सिख बन फिर ही उपदेश देंगे। नहीं, मुसलमान नूं कहा सच्चा मुसलमान बन, हिंदू नूं कहा सच्चा हिंदू बन। अपने तुहाडे धर्म ग्रंथां विच जो सिख्या उसनूं अपनाओ ते दूजे धर्मां ते अटैक हमले ना करो। सिर्फ इस करके किसी नूं मार देना कि उहदा धर्म होर है ये बहुत वड्डा जुल्म है, ये पाप है। अजिहा करम तों सिखां नूं भी वरजिया, बाकी संसार नूं भी उपदेश दिता ते कदे भी गुरु दे सिखां ने अजिहा कर्म नहीं करना। सिर्फ दुष्ट नाल जालम नाल जाबरी बंदे दे नाल साडा लोहा लिया जाणा ये विहता है। तो जिहड़ा किसी निर्दोष नाल वधीकी करनी उस तों सतगुरां ने वरजिया और सिखां ने उस सिख्या नूं अपनाया भी। जिहड़े साडे वड्डे वडेरे होए नवाब कपूर सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवाली आ, जस्सा सिंह रामगढ़ी आ, महाराजा रणजीत सिंह दे दादा जी चढ़त सिंह आदिक, इन्हां ने इन्हां गुणां नूं धारण करके अहमद शाह अब्दाली का टाकरा किया। हिंदुस्तान दियां एक वारी 22,000 लड़कियां जनानियां जबरदस्ती टक्कां बन के लैके जा रहे सी। खालसा पिया जाना वारियां छड़ाइयां और एक वारी कसूर 12 गढ़ियां सी उत्थे 12 गढ़ियां। एक ब्राह्मण अकाल तख्त साहब आ के रोया कि असीं 72 बंदे विआह के आ रहे सी, बरात सी ते जबरदस्ती कसूर दा हाकम वो लै गया चुक के औरत नूं। तां उस वेले खालसे ने 5,000 दा जथा लै के जा के उत्थे जंग कीती, गढ़ियां ढाइयां, ब्राह्मण दी घरवाली छड़ा के लिआंदी। एडे वड्डे वड्डे मार के खालसे ने मारे। तो उदों बाद ही महाराजा रणजीत सिंह वाला राज कायम होया ते रणजीत सिंह ने बड़ा धर्म दा राज कीता, बहुत वधिया राज कीता। किसे मुसलमान हिंदू नाल कोई वधीकी नहीं होई, ऐन सारे दे हक महफूज सी। मसीतां मंदरां वास्ते जगीरां ते ओह कई तरह दियां तनखाहां पैसे पुजारियां नूं दिंदे रहे महाराजा रणजीत सिंह जी। ये लिखतां फकीर खाना लाहौर विखे, जो फकीर अजीजुद्दीन जी उन्हां दी बंस दे कोल सारा कुछ सांभिया पिया। सो इस प्रकार की विचारधारा सतगुरु नानक देव महाराज ने साढ़े ताई बल्कि समुचे संसार वास्ते ये बख्शी और प्रैक्टिकल दसां जामिया विच अमली तौर पर करके विचर के विखाया कि संसार च मनुख नूं किस तरह रहना चाहिए। मरदऊपणा सच्चे सुचे मर्द बना के सच्चे पातशाह ने यह खालसा दुनिया प्रगट किया। इन्नियां क विचारां आप साध संगत ने प्रवान करनियां। कोई भुल चुक हो गई होवे ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।